तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरीके के फ्लैट से सीन को आप विजुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो विद द पावर ऑफ CGI एंड विजुअल इफेक्ट्स। और अगर आप अपने कंप्यूटर की स्लो रेंडरिंग से परेशान हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ iRender से। तो iRender एक GPU बेस्ड रेंडरिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप बहुत फास्टली रेंडर निकाल सकते हो। तो अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हो, एक फ्रीलांसर हो या फिर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है तो iRender आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है बिकॉज इट्स गिव्स यू मल्टीपल GPU रेंडरिंग सर्विस एट पेएबल प्राइस, सो यू कैन चूज योर मशीन एंड फिनिश योर प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। तो इसके बारे में मैं और डिटेल से आगे बात करूंगा जब मैं अपने सीन का रेंडर निकालूंगा। तो अभी के लिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले मैं करूंगा अपना कैमरा ट्रैक और इस बार मैं एक नए सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूं जिसका नाम है PF ट्रैक। तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स या फिर ब्लेंडर से करना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो। तो मैं आ गया हूं PF ट्रैक में और सबसे पहले मुझे करना है अपना कैमरा ट्रैक। सो एज यू कैन सी जो कैमरा है हमारा वो प्राइमरी मोशन है और जो कैरेक्टर्स हैं वो सेकेंडरी मोशन है। तो अभी हमें इन्हें मास्क आउट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई जस्ट राइट क्लिक हेयर एंड टेक ऑटो ट्रैक, देन आई गो टू मास्क एंड हम यहाँ पर इस बेजियर रोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम ऐसे मास्क ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम टाइमलाइन में आगे जाकर कंट्रोल प्रेस करके मास्क को एडजस्ट कर लेंगे। देन हम इस पैरामीटर वाले ऑप्शन में जाएंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो एज यू कैन सी जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे ट्रैकिंग पॉइंट्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। अब हमें इन्हें ट्रैक करने के लिए इस ऑटो ट्रैक वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। हमारा सीन ट्रैक हो चुका है, अब हम एरर्स में जाएंगे एंड फिट व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पॉइंट्स हमारे अच्छे से ट्रैक नहीं हुए हैं उन्हें हम डिलीट करेंगे। तो मैं इस ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और इस स्लाइडर को मैं समथिंग 0.1 के अराउंड सेट कर दूँगा जिससे हमारे ज़्यादा एरर्स वाले जो पॉइंट हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हम वापस पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके हम कैमरा सॉल्वर ले लेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे सॉल्व ऑल पर। बट एज यू कैन सी हमारा ग्रिड ग्राउंड से अटैच नहीं है तो इसे फिक्स करने के लिए हम अगेन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड इस बार हम ओरिएंट सीन लेंगे एंड किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके हम सेट ओरिजिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें अपने ग्रिड को थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइन करने के लिए हम यहाँ से इस रोटेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टू व्यूज में चले जाते हैं एंड अपने सीन को थोड़ा अलाइन करते हैं। तो हमारा ग्रिड जो है वो अलाइन हो चुका है प्रॉपर। तो अगर आप चाहो तो इसको स्केल वगैरह भी कर सकते हो, तो मैं इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ। ओके नाइस, तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी ट्रैकिंग कैसी हुई है। तो इस बार हम लेते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहो तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो बट मैं यहाँ पर टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट ऐड करके देख सकते हो कि आपकी ट्रैकिंग किस तरीके से हुई है। ओके, तो मेरा कैमरा जो है वो परफेक्टली ट्रैक हो चुका है। अब हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट। तो इस बार मैं ले लेता हूँ एक्सपोर्ट एंड यहाँ से मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ कोलाडा DAE बिकॉज हमें ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है एंड फाइल पाथ चूज करके हम एक्सपोर्ट सीन पर क्लिक कर देंगे। कैमरा मैंने ट्रैक कर लिया, अब चलते हैं ब्लेंडर में और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से ये फ्लावर्स, पार्टिकल्स एंड ट्री ग्रोइंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने अपना कैमरा एंड बैकग्राउंड वीडियो ब्लेंडर में इम्पोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इस मशरूम को ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, देन मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक प्लेन ले लेता हूँ और अब इस प्लेन को मैं एस प्रेस करके थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। अब मैं इसे सब डिवाइड करूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ से एडिट मोड में जाऊँगा और इसे मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर लेता हूँ। देन अगेन हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और अब मैं इसे वायर फ्रेम मोड में सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज इस प्लेन को हमें अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग स्कल्प्ट करना है। तो हम चले जाते हैं स्कल्प्ट मोड में और हम इस प्लेन को अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग शेप देने का ट्राई करते हैं। तो आप जस्ट कोई भी ब्रश उठाइए एंड रैंडमली इसे शेप देने का ट्राई करिए, इट्स वेरी इजी। ओके, इट्स लुक गुड टू मी।
तो अब मैं इस ग्राउंड में फ्लावर एंड ग्रासेस वगैरह ऐड करूंगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ बोटैनिक एड ऑन का, बिकॉज इससे काफ़ी इजी हो जाता है अपने सीन में वेजिटेशन वगैरह ऐड करना। तो अगर आप चाहो तो आप पार्टिकल सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर बोटैनिक एड ऑन का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन में जाऊँगा एंड बोटैनिक एड ऑन को ओपन करूँगा, एंड हम यहाँ से नीचे जाएंगे और इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स एंड ग्रास के वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं बोटैनिक एड ऑन के अंदर में। तो मैं इस फर्स्ट वाले को ही सेलेक्ट रहने देता हूँ एंड ओके पर क्लिक करता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे ग्रास एंड फ्लावर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो मैं अगेन एक बार और प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड इस बार मैं लूँगा इस वाले वेरिएशन को। ओके, तो अभी हम इसके साइज़ एंड काउंट को फिक्स करते हैं। तो मैं इसके नंबर्स को कम कर लेता हूँ एंड स्केल को मैं कर देता हूँ अराउंड 0.5 एंड ओके। अब इस वाइट वाले फ्लावर को भी थोड़ा सा हम रेंडमाइज कर लेते हैं एंड इसके स्केल को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये ठीक है। अब हम इस पे डालेंगे एक SDRI। तो मैं यहाँ से शेडिंग टैब में चला जाता हूँ एंड हम यहाँ से चले जाएंगे वर्ल्ड में एंड ऐड न्यू मटेरियल, और शिफ्ट ए प्रेस करके हम इन्वायरमेंट टेक्सचर को लेंगे यहाँ से, और जो मेरा SDRI है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने सीन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, मैंने अपने हिसाब से किया हुआ यहाँ पर। ओके, तो हमारा SDRI आ गया यहाँ पे। तो मैं अब चला जाता हूँ रेंडर व्यू पर एंड अब हम यहाँ से फिल में जाएंगे और ट्रांसपेरेंट को हम कर देंगे अनचेक, तो हमारा SDRI विजिबल हो जाएगा। अब हम करेंगे इसे थोड़ा सा एडजस्ट। सो फॉर दैट आई जस्ट सेलेक्ट दिस नोड एंड प्रेस Ctrl+T। तो मैं इसकी जेड रोटेशन को अराउंड 60 के समथिंग सेट कर देता हूँ एंड ये ठीक लग रहा है मुझे। एंड इस ट्रांसपेरेंट को हम वापस से कर देते हैं टिक, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर देता हूँ 1.5। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी लाइटिंग भी अभी थोड़ी सी मैच हो चुकी है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ लेआउट में। ओके, तो मैंने फ्लावर्स एंड ग्रासेस वगैरह ऐड कर लिए है। अब मैं अपना हार्ट शेप ट्री ग्रोइंग एनिमेशन बनाऊँ, तो इसके लिए भी मैं एक एड ऑन का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है एनी ट्री। तो एनी ट्री की हेल्प से आप किसी भी शेप को एक ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट मी शो यू हाउ आई एम गोना क्रिएट दिस। ओके, तो अभी के लिए मैंने अपने ग्राउंड को डिसेबल कर दिया है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एक नया कलेक्शन बना लेता हूँ और मैं इसे नाम दे देता हूँ हार्ट ट्री। ओके, तो अब हमें चाहिए होगा हार्ट का एक बेसिक शेप। तो मैं ब्लेंडर किट में टाइप कर लेता हूँ हार्ट, तो हमें यहाँ पर ये हार्ट बलून मिल जाएगा। तो मैं सिंगल हार्ट को छोड़कर बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ एंड इस हार्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, एंड फॉर द ट्री ट्रंक आई टेक अ सिलेंडर एंड स्केल इट डाउन। और अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर लेते हैं। सो आई सेलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेस Ctrl+J। ओके, अब ये हमारा सिंगल हार्ट ट्री का बेस शेप रेडी है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ट्री में। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से एनी ट्री एड ऑन को, और हम इस एड अ न्यू शेप ट्री पर क्लिक कर देंगे। तो एज यू कैन सी जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा ग्राउंड विजिबल हो गया और जो बेस शेप है वो वायर फ्रेम मोड में चला गया। सो लेट्स ऑफ द ग्राउंड फॉर नाउ। तो अभी आप देख सकते हो हमें यहाँ पर एक एम्प्टी मिला हुआ है। तो अभी हम इस एम्प्टी को अपने बेस शेप के सेंटर में रखता हूँ। तो जैसे ही मैं इस एम्प्टी को अपने बेस शेप के सेंटर में रखता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी ट्री की ब्रांचेस जो है वो विजिबल होने लगेंगी, बिकॉज ये हमारे ट्री का ओरिजिन पॉइंट है। अब इस शेप को हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट। तो अभी हमारा ट्री हार्ट शेप का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम जाएंगे मॉडिफायर्स टैब में, और यहाँ पर हमें एनी ट्री के कंट्रोलर्स मिलते हैं। तो अगर मैं इस ट्री डिटेल को बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि ब्रांचेस की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी मैं सारे ऑप्शन में नहीं जाने वाला, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं जस्ट इसे एनिमेट कर लूँगा। तो इसे एनिमेट करने के लिए मैं अभी इस ट्री डिटेल को अराउंड 5 पे कर लेता हूँ, बिकॉज हमारा व्यू पोर्ट का जो रेंडरिंग टाइम है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो इसे एनिमेट करने के लिए हम इस इनेबल ग्रोथ वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देंगे, और मैं फर्स्ट फ्रेम में जाऊँगा और इस ग्रोथ वाले ऑप्शन पर क्री लगाकर इसे फुल इंक्रीज कर दूंगा। एंड मैं आगे जाऊंगा और इसे 0 पे करके एक की यहाँ पर लगा दूंगा। तो अगर अब मैं इसे प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारी ब्रांचेस का ग्रोइंग एनिमेशन है वो बन चुका है। तो अभी हम इस पे मटेरियल सप्लाई कर देते हैं। तो हम इस इम्पोर्ट मटेरियल में जाएंगे एंड इस मटेरियल को
टिक करेंगे और इस ब्राउन बार्क वाले मटेरियल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम इस पे लीव्स भी ऐड कर देते हैं। तो हम इस लीव्स वाले चेकबॉक्स को ऑन करेंगे और यहाँ से हम इम्पोर्ट लीव्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास अलग अलग टाइप के लीव्स का कलेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और मैं इस पिंक लीव्स को ले लेता हूँ। ओके, तो ये बढ़िया लग रहा है मुझे, पर मैं इसके थोड़े से टेक्सचर को फिक्स कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा शेडिंग टैब में और मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, तो मुझे अलग अलग कलर्स के लीव्स के वेरिएशन मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो हमारा ट्री काफ़ी शानदार लग रहा है। तो मैं वापस आ जाता हूँ लेआउट टैब में एंड यहाँ से ट्री डिटेल को मैं वापस से कर देता हूँ 15। ओके, तो आर ट्री लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो हमारा सीन ऑलरेडी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, बट इसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टच देने के लिए मैं यहाँ पर पार्टिकल एनिमेशन क्रिएट करूँगा और इसे क्रिएट करना काफ़ी इजी है। तो मैंने अपने ब्लेंड फाइल की एक कॉपी और बना ली है और यहाँ पर मैंने अपना कैमरा और लीव्स के कलेक्शन को छोड़ के बाकी सभी को डिलीट कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे एंड इस पे मैं पार्टिकल सिस्टम अप्लाई कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो मैं अभी जाऊँगा फील्ड वेट में और ग्रेविटी को कर दूंगा मैं 0। अब हम ऊपर जाएंगे एंड फ्रेम स्टार्ट को मैं कर दूंगा -100 ताकि हमारे जो पार्टिकल्स है वो फर्स्ट फ्रेम से ही इस तरीके से फ्लोट हो। एंड मैं लाइफ टाइम को कर देता हूँ 200। और अब हम नीचे आ जाते हैं और इस रोटेशन को कर लेते हैं टिक और यहाँ से हम रेंडमाइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। देन हम जाएंगे रेंडर में और यहाँ से मैं कलेक्शन ले लूँगा और मैं लीव्स के कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके स्केल को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बट अगर अभी मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पार्टिकल्स जो है फ्लोट तो कर रहे हैं बट इनमें बिल्कुल भी रोटेशन नहीं है। तो इसके रोटेशन को फिक्स करने के लिए हम जाएंगे रोटेशन में और इस एक्सिस को मैं सेट कर दूंगा रैंडम पर। तो अब अगर मैं इसे प्ले करके देखूँ तो एज यू कैन सी हमारे पार्टिकल्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो अब हम ऐड कर लेते हैं विंड। तो मैं यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करके विंड फोर्स फील्ड ले लेता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर लूँगा 0.3। ओके, लेट्स प्ले एंड चेक। ओके, इट्स लुक गुड। अब मैं पार्टिकल के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो हमारा सीन कंप्लीट है, बस हमें इसका रेंडर निकालना है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा सीन जो है काफ़ी हैवी हो गया है, मतलब इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं भी इस पे रेंडर का बटन दबाऊं तो एज़ यू कैन सी ये 40 मिनट ले रहा है एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए और मेरे पूरे एनिमेशन में 288 फ्रेम्स है। इसका मतलब ये 2 से 3 दिन ले लेगा पूरे एनिमेशन को रेंडर करने में, बट मेरे पास इतना वक्त है नहीं। तो हेयर कम्स आई रेंडर। आई रेंडर एक CPU और GPU बेस्ड क्लाउड रेंडरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना होता है और ये तुम्हारे प्रोजेक्ट को बहुत फास्टली रेंडर करके दे देता है। और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं जिसे तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड कर दिया है। देन मैं मशीन GPU में जाऊँगा और जिस कार्ड से मुझे रेंडर करना है उसे चूज़ करूँगा। देन बूट पे क्लिक कर दूँगा। आफ्टर बूटिंग हमारे पास एक नया डेस्कटॉप आ गया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रेंडर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, देन हिट रेंडर एनिमेशन। एज़ यू कैन सी हाउ फास्ट इज दैट। तो अगर आप आई रेंडर प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैंने अपने फ्लावर्स, ट्री एंड पार्टिकल्स का अलग अलग रेंडर निकाल लिया है ताकि मुझे कंपोजिटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो अब हम इन सभी को इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट में और वहाँ पे हम अपनी फाइनल कंपोजिटिंग करेंगे। तो फाइनल कंपोजिटिंग में मैंने जस्ट अपने स्काई को रिप्लेस कर दिया और अपने सीन में थोड़े से कलर्स ऐड कर दिए ताकि जो हमारा सीन है वो थोड़ा सा और अच्छा लगे। एंड दैट्स इट, ये रहा मेरा फाइनल आउटपुट।